बजरंगी भाईजान के किरदार बजरंगी भाईजान को आप भूले नहीं होंगे। बजरंगी भाईजान में जो किरदार सलमान खान ने पर्दे पर निभाया था, उसी तरह का किरदार अब्दुल रहमान रियल लाइफ में निभा रहे हैं। बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करीब लाने की कोशिश की थी, तो अब्दुल रहमान हिंदुओं और मुस्लिमों को करीब लाने की मिसाल पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना पत्रा के बॉर्डर में पहाड़ी खेरा गांव के रहने वाले अब्दुल रहमान ने मुस्लिम होने के बावजूद अपनी एक एकड़ जमीन हनुमान मंदिर बनाने के लिए दान कर अनोखी मिसाल कायम की है। हनुमान के प्रति उनकी इस आस्था को देखकर अब आसपास के लोग उन्हें बजरंगी भाईजान कहने लगे हैं। ये जहाली सतना जिले का जो है एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर जो है मेरे छोटे भाई के नाम 8 एकड़ जमीन है। मैं इसलिए जो है दान में दिया है कि मेरी हार्दिक इच्छा ये हमेशा बचपन से रही कि जहाँ जहाँ भी रहा तो मंदिर मस्जिद का मैं जो है बड़ा जो है सबको की एकता रहे, और ऐसा ना हो या मुस्लिम धर्म में अगर कोई ये कहता है कि ये जायज नहीं नाजायज है तो नहीं, ये हर चीज़ जायज है। धर्म सभी बराबर हैं और हर धर्म का इंसान को पालन करने वाला कभी जो है तो पीछे जो है तो पीछे नहीं जो है तो तकलीफों से दूर रहता है। अब्दुल रहमान यानी रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान ने मुस्लिम होकर मंदिर के लिए अपनी जमीन दान कर उन सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर तमाचा मारा है जो बात बात पर हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि अब्दुल रहमान हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच भाईचारा बढ़ाने की अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।